दो ब्रीड आप देख रहे हैं साथ में मेरे, पहली तो रॉट है, चलो शैतानी नहीं शैतानी नहीं, और दूसरी पॉम है साथ में। कंपैरिजन करते हैं दोनों में बेटर कौन है। मैं आपको अपने अपना रिव्यू देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि दोनों में बेटर कौन है। सबसे पहला पॉइंट है खर्चे। खर्चे के मामले में अगर आपकी इनकम है अच्छी है तो आप रॉट रख सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, खर्चीला होता है, महीने के इनके खर्चे होते हैं, इनके खाने पीने पे खर्चा करना पड़ता है, इनकी केयर पे करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। और पॉम की बात करें तो ज़ीरो खर्चा, जो आप खाते हैं वो आप खिला सकते हैं। दवाएं आपको अगर देने का मन है, दवाओं में आती है जैसे लीवर टॉनिक, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अदरवाइज दही बेटर है इनके लिए, लीवर सही रहेगा। कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए आप टेबलेट आती है वो दे सकते हैं, आपका मन है तो। अदरवाइज जिस चीज़ में आप इनको ढाल देंगे उस चीज़ में ढले रहेंगे। अदर कुछ पपी फूड आप देते हैं नहीं देते हैं इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लीवर के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बस सबसे पहले कॉस्टली का खर्चा आ गया, उसके बाद शरारत की बात करें, या कोई भी पपी लाता है तो उसके साथ खेलना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है पपी के साथ, सबको पसंद होते हैं। और क्यूटनेस की बात करें तो दोनों इक्वल हैं। रॉटवेलर पॉम से कम क्यूट नहीं होते हैं, रॉटवेलर और पॉम, मेरे को तो रॉट ज़्यादा बेटर लगा मेरे हिसाब से, रिव्यू के हिसाब से अगर आप कॉस्ट ना देखें तो। ठीक है, सेंसिटिव, मेरे रिव्यू के हिसाब से सेंसिटिव रॉट होता है, सेंसिटिव रॉट होते हैं। सीखने में एडॉप्ट करने में सबसे अच्छे रॉट होते हैं, समझदार रॉट होते हैं। पॉम उतनी समझदार नहीं मानी जाती है, आपको भी पता होगा, रॉट बहुत समझदार होते हैं। और प्रॉब्लम्स, बीमारियां जो भी कह लीजिए, ग्रोथ इनकी बहुत तेज़ होती है जिसकी वजह से इनको बीमारियां भी लगती हैं, लेग बेंडिंग टाइप की, या कैल्शियम की कमी कह लीजिए, या किसी भी चीज़ की कमी कह लीजिए, वो इनकी ग्रोथ के ऊपर होता है कि दोनों साथ में लेके आया था, ये थोड़ा सा बढ़ी है और ये फुल ग्रो पे आ गया है लगभग, थोड़ा बहुत अभी और ग्रो करेगा ये। तो इतनी तेज़ ग्रो करने के कारण इनमें प्रॉब्लम भी आती है, जिसकी वजह से आपको दवाएँ प्रॉपर चलानी ही चलानी है, मल्टी विटामिन, कैल्शियम, ये सब आपको देना ही देना है। ये धीरे धीरे बढ़ती हैं, इनके हेयर की केयर करनी पड़ेगी, हेयर बोले तो बाल की केयर करनी पड़ेगी, जिससे इनकी जो है ब्यूटी रहती है। उसके लिए आपको एक सीरप आती है, वो मैं आपको बताऊंगा, सबसे बेटर जो होती है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हेयर की केयर कैसे हुई बीच में इनका जो है। हाँ, बाल टूटने का सबसे बेटर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रॉट का। 3 बार कोटिंग हो चुकी है इस 8 महीने में, 3 बार बाल चेंज हो चुके हैं, अभी भी बेटर, अभी भी जो एकदम परफेक्ट होता है वो अभी भी नहीं आया, अभी एक बार और आएगा। और इसका एक बार जो है कोटिंग हुई है, लेकिन अभी इसका बेटर है, अभी बाल नहीं टूटते हैं इनके। तो ओवरऑल रिव्यू मेरी तरफ से जाता है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसे हैं और सच में आप अच्छी ब्रीड पालना चाहते हैं तो वो रॉट है। उसके साथ अगर उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते तो फॉर्म आप रख सकते हैं, उसके खर्चे नहीं हैं। जो आप रॉट के लिए लाएंगे वो थोड़ा बहुत अगर उसको भी दे देंगे तो दोनों एकदम बेटर रहेगा, मेरा रिव्यू ये है। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी ही वीडियो मैं आपको लाके देता रहूँगा। थैंक यू गाइज़।